बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने इसको समझ लिया था, ये एक दफ़ा आया हुआ है 2009 में, शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ पेयर प्रोडक्शन, प्रोसेस इन विच अ गामा रे फोटॉन पासिंग वेरी क्लोज टू अ हैवी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से पहले आएगा हैवी न्यूक्लियस, डिसअपियर्स एंड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। ये हमने डायग्राम बनाई है, हैवी न्यूक्लियस हो कोई और उसके करीब से गामा रे का फोटॉन गुजरे तो फोटॉन गायब हो जाता है और नतीजे में इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर माइनस साइन बता रही है कि इलेक्ट्रॉन है और प्लस साइन बता रही है कि ये पॉजिट्रॉन है, ये पेयर प्रोड्यूस हो जाता है। ये इसकी समझिए इक्वेशन है, प्रोसेस से पहले गामा रे, प्रोसेस के बाद इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। जब भी कोई फिजिकल प्रोसेस होता है तो वो लॉज ऑफ फिजिक्स को ओबे करता है, तो ये प्रोसेस भी तीन लॉज को ओबे कर रहा है। नंबर वन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इंटरेक्शन से पहले हमारे पास फोटोन है, इंटरेक्शन के बाद इलेक्ट्रॉन है और पॉजिट्रॉन है। फोटोन चार्जलेस पार्टिकल है, इसके चार्ज जीरो है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई, पॉजिट्रॉन का चार्ज प्लस ई, तो माइनस ई प्लस ई क्या हो गया, जीरो। चार्ज इस तरह क्या हो गया, क्या हो गया, कंजर्व हो गया, क्या हो गया, कंजर्व हो गया, मतलब एक कांस्टेंट टोटल वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के लिए ये हैवी न्यूक्लियस का होना जरूरी है, प्रेजेंस ऑफ हैवी न्यूक्लियस इज नेसेसरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस देखिए, ये अगर फोटोन के मोमेंटम की डायरेक्शन हम एज्यूम करें, ठीक है, तो ये न्यूक्लियस क्या करता है, रिकॉइल। रिकॉइल अगर आपको याद हो, हम गन आगे फायर करते थे तो पीछे झटका लगता था, तो ये फोटोन समझे न्यूक्लियस को टारगेट कर रहा है, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इसकी जानिब आएगा, ये रिकॉइल करेगा, तो इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में, इसका मोमेंटम जितना इसका मोमेंटम होगा उतना ही न्यूक्लियस का मोमेंटम होगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट, इसलिए टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। ड्यूरिंग प्रोसेस हैवी न्यूक्लियस हैज अ रिकॉइल मोमेंटम अपोजिट टू फोटॉन्स मोमेंटम, दस टोटल मोमेंटम बिफोर प्रोसेस इज जीरो। प्रोसेस के बाद ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों एक ही तरह के पार्टिकल हैं, इसका मास और इसका मास क्या है, सेम है, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी क्या है, मोमेंटम है, तो दोनों की मोमेंटम की मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए ट्रेवल करेंगे ताकि मोमेंटम क्या रहे, कंजर्व रहे। ये MCQs में आ सकती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। आफ्टर द प्रोसेस इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन मूव इन अपोजिट डायरेक्शन टू कंजर्व मोमेंटम, अपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे तो मोमेंटम कंजर्व, हैवी न्यूक्लियस नहीं होगा तो भी मोमेंटम कंजर्व, तो हैवी न्यूक्लियस के बगैर ये प्रोसेस नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या वैक्यूम में पेयर प्रोडक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि वैक्यूम में फोटोन किसके पास जाएगा, किस की मदद से अपना टोटल मोमेंटम क्या करेगा, कंजर्व करेगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगेन प्रोसेस से पहले फोटोन है, प्रोसेस के बाद इलेक्ट्रॉन है और पॉजिट्रॉन है, तो फोटोन की एनर्जी को हम ई कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी को हमने कह दिया ई ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पॉजिट्रॉन की टोटल एनर्जी को कह दिया ई ऑफ पॉजिट्रॉन। अब याद करें आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को, आइंस्टाइन ने कहा था टोटल एनर्जी क्या होगी, रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का मास अगर हम एम नॉट ले लें तो पॉजिट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी भी ई नॉट और इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी भी, भाई याद है E बराबर था E नॉट प्लस K या K प्लस E नॉट, E नॉट क्या हो गया M नॉट C स्क्वायर, ठीक है, और फोटोन के लिए एनर्जी क्या होगी HF, तो ये M नॉट C स्क्वायर क्या हो गया 2M नॉट C स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। ये हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन बन गई कि ये टोटल एनर्जी बराबर होगी इस एनर्जी के। अब फर्ज किया आपने एक फोटोन न्यूक्लियस के करीब से गुजारा,
उसकी एनर्जी अगर ये 2m0c² से कम है, 2m0c² क्या है, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस रेस्ट मास ऑफ, इतनी एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, तो अगर इससे कम एनर्जी होगी तो क्या प्रोसेस होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये तो मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को क्रिएट करने के लिए चाहिए। दस फोटोन मस्ट हैव एनर्जी ऑफ 2m0c², 2m0c² एनर्जी कितनी होती है, 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन टू बी कन्वर्टेड टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, कम अज कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए ये HF, तब पेयर प्रोडक्शन होगा, वरना पेयर प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये उतार लें, फिर ये एक दो चीज़ें और देख लेते हैं MCQs के लिए। ये जो m0c² है, m0 इलेक्ट्रॉन का मास है, 9.11 एक्सपोनेंट -31, c स्पीड ऑफ लाइट है, ये वैल्यूज आप पुट करें तो जूल में आ जाएगा m0c², उसको 1.6 एक्सपोनेंट -19 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। m0c² क्या है, 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये पहले देखें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शायद MCQ में पूछी जाएं। पेयर प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल इन वैक्यूम और नियर अ लाइट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी क्या होना चाहिए, हैवी। दूसरी बात, ये जो एनर्जी है फोटोन की, यही एक्सप्लेन की हमने, अगर ये लेस देन होगी 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो पेयर प्रोडक्शन होगा ही नहीं, पेयर क्रिएट ही नहीं होगा, जब पेयर क्रिएट ही नहीं होगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जीज के बारे में हम कोई बात नहीं कर सकते। अगर इसके इक्वल होगी तो पेयर प्रोडक्शन तो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन क्रिएट तो हो जाएंगे, लेकिन उनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, इससे जो ज़्यादा एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी बनेगी, सही है। अब 1.022 ये है और ये 1.022 हो गया, तो ये तो कुछ बचा ही नहीं ना, काइनेटिक एनर्जी तो बची नहीं, तो वो रेस्ट पे होंगे, मूव नहीं कर रहे होंगे। अगर एनर्जी 1.022 से ज़्यादा होगी तो वो फिर काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी इलेक्ट्रॉन की और पॉजिट्रॉन की, जितनी ज़्यादा होगी उतनी इनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी, तो दोनों फिर किसी एनर्जी से मूव करेंगे। यहाँ 1.022 से एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी तो 1.022 तो इधर आ जाएगा, बाकी इन दोनों में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, चलें उतार लें। ये जो पेयर प्रोडक्शन है, इसका एक दूसरा नाम है मैटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो यह पॉइंट नंबर 3 लिख लें, पेयर प्रोडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड मैटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैटर में, गामा रे फोटोन, गामा रे क्या है, एनर्जी रेडिएशन है, सही है, वो कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन में और पॉजिट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्या है, मैटर है, पार्टिकल है। तो आइंस्टाइन ने जो प्रेडिक्ट किया था कि E=mc², एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पीड ऑफ, तो एनर्जी मास में कन्वर्ट हुई है, ये काम हुआ। अब इसका अगला काम हम पढ़ेंगे, मास किस में कन्वर्ट होगा, एनर्जी में। चले आवाम की पुरजोर फरमाइश पर वीडियो में देखिए, दो कॉमन सेंस की बातें याद रखें। बहुत सी मिसकंसेप्शन होती है लोगों को ना, जब भी शदीद गर्मी हो, खासकर लू चलना शुरू हो जाए, गर्म हम बाहर निकले, हवा गर्म लग रही हो हमारे चेहरे पे, तो घर पे फौरन ही पहुंच के घर की खिड़कियां बंद कर दें, क्योंकि गर्म हवा घर के अंदर दाखिल होकर घर को गर्म करेगी। इस सूरत में गर्म हवा को घर के अंदर दाखिल होने नहीं देना, ठीक है, पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम ये करना है, इस तरह के एनवायरनमेंट में फिर हवा खुश्क भी हो जाती है बहुत, क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी, नमी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो घर के अंदर अगर आपने नमी को मेंटेन करना है तो जिस कमरे में आप हों, या तो हर कमरे में या घर में, अगर खुला खुला घर है, कहीं भी एक जगह किसी कटोरे में किसी बर्तन में पानी रख दें, वो पानी खुद ही एवापोरेट होता रहेगा और आपके
कमरे की जो नमी है वो क्या रहेगी, एक मेंटेन रहेगी, वो गिरने नहीं पाएगी। सही है, क्योंकि अखबार में भी खबरें आई हैं बाज़ लोगों की नाक से अचानक ही खून बहना शुरू हो गया, वो इसी वजह से कि हवा में नमी की कमी की वजह से। ठीक है, तो खिड़कियाँ बंद करनी है लू में, और कहीं एक पानी रख देना है ताकि हमारी जो एयर की नमी है वो मेंटेन रहे। ठीक है, पेयर प्रोडक्शन या मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी का जो रिवर्स प्रोसेस है वो एनाइलेशन ऑफ मैटर, तो यही इसकी डेफिनेशन है। रिवर्स ऑफ पेयर प्रोडक्शन इज कॉल्ड एनाइलेशन ऑफ मैटर या प्रोसेस इन विच एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कम क्लोज एंड आर कन्वर्टेड टू टू गामा रे फोटॉन्स इज कॉल्ड एनाइलेशन ऑफ मैटर। ये इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिट्रॉन है, जब दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे और गामा रे के दो फोटॉन्स बन जाएंगे। कल समझाया था आपको ना, मैटर एंड एंटी मैटर ने शेक किया, हाथ मिलाया, तो दोनों ने क्या कर दी, कुर्बानी दे दी, दोनों क्या हो गए, एनर्जी में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, वेरी गुड, इस तरह जवाब दिया करें मर्दों की तरह, कल इस तरह आना है सबने, मर्द मर्द जो कल नहीं आएगा उसके फिर हम नाम चेंज कर देंगे, अभी से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके नाम के साथ लगेगा डैश। ठीक है, अच्छा ये भी लिन लॉस को वे करेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रोसेस से पहले इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, प्रोसेस के बाद फोटॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई, प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई, कैंसिल हो गए जीरो, फोटॉन पे दोनों पे चार्ज जीरो, रिजल्ट क्या हो गया, जीरो। मोमेंटम देखिए कंजर्व कैसे, इंटरेक्शन से पहले इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की डायरेक्शन अपोजिट है, इंटरेक्शन के बाद फोटॉन्स की डायरेक्शन अपोजिट है, तो बिफोर द प्रोसेस इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दस टोटल मोमेंटम इज जीरो। आफ्टर द प्रोसेस गामा रे फोटॉन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दस टोटल मोमेंटम इज जीरो। तो प्रोसेस से पहले भी टोटल मोमेंटम जीरो, प्रोसेस के बाद भी टोटल मोमेंटम जीरो, एनर्जी भी सेम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, जो राइट साइड पे पहले था वो लेफ्ट पे आ गया, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी हो गई, प्लस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन और फोटॉन, एक की भी एच एफ एनर्जी, दूसरे की भी एच एफ, ये टू एच एफ हो गया, तो फाइनल इक्वेशन ये बन गई, ये दोनों प्लस हो गए, टू एम नॉट सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन इज इक्वल टू टू एच एफ। ये जो फोटॉन्स क्रिएट होंगे उनकी एनर्जी इसका हाफ होगी, बेसिकली ये मास कन्वर्ट हो रहा है किस में, फोटॉन्स में, तो ये टू और ये टू, अगर ये एग्जैक्टली हाफ हो जाएगी तो 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही फोटॉन क्रिएट होगा, जो एक फोटॉन होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी, इसका आधा, इसको दो से डिवाइड कर दो तो वो क्या बनेगा, एम नॉट सी स्क्वायर, वो क्या होगा, 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन दोनों का एक एक न्यूमेरिकल है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और जो ये टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं इनके जो MCQs एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो कर लेंगे, और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपको इस चैप्टर के MCQs के नोट्स मिल जाएंगे, हो सकता है मिल गया, मैंने सर उगा था दे दें, तो वो भी हम करेंगे फिर। ठीक है, सॉरी क्या कह रहे हो, हाँ तो ये इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिट्रॉन है ना, अच्छा दोनों भी मान लिया। ठीक सही है।